दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस बिजनेस से आप प्रतिदिन पर डे आप मिनिमम 4,000 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। महीने में आप 1,20,000 रुपए से लेकर आप 1.5 लाख रुपए तक आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो किस बिजनेस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कौन सा मशीन आपको चाहिए, कहाँ से आप मशीन को खरीदेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, मशीन का प्राइस कितना है, कितने में माल तैयार करेंगे आप, कितना आपका लेबर कॉस्टिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग होगा, कहाँ पे आप माल को बेचेंगे, कैसे आप माल को बेचेंगे, कुछ सेलिंग टिप्स, ये सब लेकर मैं आज इस वीडियो में आया हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए आप सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखने को मिल जाए। दोस्तों हम अभी देख लेंगे कि हम कौन से बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे बारबेड वायर बिजनेस के बारे में, बारबेड वायर मेकिंग बिजनेस। देखिए आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे बारबेड वायर दिखता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो बाउंड्री में जो फेंसिंग के लिए जो वायर जो होते हैं, कांटे वाला जो तार होता है जो लगा जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कैसे इसको तैयार करेंगे, कहां से मशीन को खरीदेंगे और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो कैसे तैयार होता है उसका एक वीडियो मैं अभी आप लोगों के सामने अभी मैं कुछ ही देर में आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि बारबेड वायर कहां पर इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोग बहुत जगह पर देखा होगा कि ऐसे ही वायर जो है वो खेत के बाउंड्री में लगा हुआ होता है, बड़ा कोई बंगलो हो या फिर बड़ा कोई मकान हो, कोई होटल वगैरह हो, उसके जो वॉल होते हैं, उसके जो दीवार होते हैं, जो दीवार के ऊपर बारबेड वायर जो है वो लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो रेलवे का ट्रैक बिछाया हुआ होता है, रेलवे का जो बाउंड्री है उसके ऊपर भी बारबेड वायर जो है, उसके वॉल के ऊपर भी बारबेड वायर जो है वो लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री जहां पर है, जहां पर प्रोडक्शन चलता है, उसके बाउंड्री में भी ये बारबेड वायर जो है वो लगाया जाता है। घर के बाउंड्री में भी ऐसा बारबेड वायर लगाया जाता है। दोस्तों अभी हम देख लेंगे कि ये बारबेड वायर कैसे तैयार होता है और इसको तैयार करने के लिए कौन सी मशीन की जरूरत है, ये सभी हम अभी देख लेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बारबेड वायर का एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो यहाँ पर देखिए जो GI वायर है उसको लगाया गया है तार को, और ये मशीन से बारबेड वायर जो है ये तैयार हो रहा है मशीन से। आपको क्या करना है, आपको GI जो वायर है, ये जो तार है, इसको खरीद के इस मशीन में आपको फिट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा मशीन्स है, यहाँ पर जो है वायर को फिट किया गया है और एक तरफ से वायर अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है वो तैयार होके माल निकल रहा है यहाँ से। तो आपको GI वायर यहाँ पर डालना होगा, GI वायर को, और ये मशीन ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें लेबर कॉस्टिंग जो है वो लगभग जीरो लेबर कॉस्टिंग है, क्योंकि ये जो मशीन है इसमें अगर आप वन टाइम अगर आप माल को सेट कर देंगे, माल को अगर आप इसमें लगा देंगे ठीक ठाक से, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये प्रोडक्शन करता रहेगा। इसके लिए कोई भी लेबर का, कोई भी इंसान का इसके लिए जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पूरा का पूरा प्रोडक्शन करता रहेगा और रील खत्म होने तक इसका प्रोडक्शन चलता रहेगा। रील खत्म होने के बाद आपको रील को चेंज करना होगा, नया एक रील, मतलब एक वायर का जो रील होता है, एक बंच ऑफ वायर आपको लगाना होगा इसमें, और उसके बाद ये जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर देगा। देखिए मैं अभी आपको एक दूसरा एक मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक बारबेड वायर मशीन है। यहाँ पर भी देखा आपने कि यहाँ पर जो है वो जो GI वायर है उसको लगाया गया है, और ये भी बारबेड वायर को तैयार कर रहा है।
तो बहुत सारा का मशीन है मार्केट में आपको दिखने को मिल जाएगा। कुछ ही देर में मैं आपको कहाँ से आप मशीन खरीदेंगे वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर बहुत सारा प्राइसेस में मशीन आपको मिलेगा। आपको लोकल मार्केट में भी पहले ढूंढना है कि अगर आपको लोकल मार्केट में यह मशीन मिल जाता था तो आप वहां से भी खरीद के अपना बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये मशीन जो है इसका बहुत अच्छा कैपेसिटी है, इसका ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि बार्बेट वायर जो है वो कैसे तैयार होता है। तो आप लोगों को सिर्फ दो चीज चाहिए, एक चाहिए बार्बेट वायर बनाने का मशीन और दूसरा एक चीज चाहिए वो है जीआई वायर। जीआई जो तार होता है, जो तार अभी आपने देखा कि जिसको मशीन में घुसा के बार्बेट वायर को तैयार किया जाता है, वही तार आपको खरीदना होगा और मशीन खरीदना होगा। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि आप मशीन कहां से खरीदेंगे और जो जीआई वायर है वो कहां से खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो वायर है उसको मार्केट में कितने प्राइस में बेचा जाता है। तो वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है इससे। चलिए देख लेते हैं कि जो बार्बेट वायर है उसका जो मशीन है कहां से आप खरीदेंगे और जीआई वायर है उसको आप कहां से खरीदेंगे। देखिए यूजुअली अभी कुछ ही देर में आपने देखा, कुछ ही देर पहले आपने देखा कि जो बार्बेट वायर होता है उसको 55 रुपए 60 रुपए की प्रति किलो के हिसाब से उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि इंडिया मार्ट में 60 रुपए के हिसाब से भी बेचा जाता है। देखिए 65 रुपए 70 रुपए 75 रुपए में भी इसको बेचा जाता है। ये जो आप जो माल बनाएंगे उसका क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने दाम में बेच पाएंगे या फिर इसका मार्केट का जो प्राइस है वो कितना होता है वो इसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों यूजुअली आपको जो है वो पहले आपके लोकल मार्केट से ढूंढना होगा कि अगर आप वहां से जीआई वायर जो है अगर आप वहां से खरीद पाते हैं तो नंबर एक आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा मात्रा में बच जाएगा, वो आपका मुनाफा में चला जाएगा। तो आप लोकल मार्केट से बार्बेट वायर को खरीदना शुरू कीजिए। और देखिए जो मशीन मैंने आपको दिखाया, जो मशीन का लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया, उसका कैपेसिटी है 80 किलो यानी कि 80 किलो प्रति घंटे के हिसाब से आपका ये मैन्युफैक्चर करता है। अगर आप पर डे 10 घंटे का काम करते हैं तो आपका 800 किलो यानी कि 800 केजी का माल आपका तैयार हो जाएगा। तो प्रति किलो के हिसाब से हमने देख लिया कि मार्केट का कितना रेट चल रहा है अभी 55 रुपए 60 रुपए 60 रुपए आपको कम से कम मिल जाएगा माल का 57 58 रुपीज 60 रुपीज 60 रुपए आपको मिल जाएगा इसका। तो 55 रुपए भी अगर आप मान के चले तो 55 रुपए के हिसाब से आपका प्रति केजी में आपका 10 रुपए का आपका फायदा होगा। उसके बाद अगर आप उससे 2 रुपए अगर आप 2 रुपए उसको उससे माइनस करते हैं प्रति किलो के हिसाब से, क्योंकि आपका लेबर कॉस्टिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग है, उसके बाद आपका जो घर का रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है, ये सब मिला जुला के हम प्रति किलो के हिसाब से अगर हम 2-3 रुपए भी उससे घटा देते हैं तो आपका आराम से 5,000 रुपए 6,000 रुपए आपका प्रतिदिन पर डे आप इसको बेच के कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम आपको ये बोलेंगे बताएंगे कि आप इसको कहां से सेलिंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने कुछ ही देर में आप लोगों को कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि इंडिया जो इंडिया मार्ट जो है वेबसाइट वहां पर बहुत सारा सेलर है जो लोग माल बेच रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि आप ऑनलाइन से इंडिया मार्ट से या फिर ट्रेडिंग इंडिया जैसे साइट से आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करके आप इस माल को आसानी से वहां पर बेच सकते हैं। 50 पैसे 1 रुपए अगर आप प्रति किलो के हिसाब से भी कम करेंगे तो भी वो आपका ही माल खरीदेगा जो है इससे मुनाफा कमा रहे हैं। और इस माल का जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा डिमांड है और ये जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें एक चांस एक मौका आपका भी है कि आप भी प्रोडक्शन करें और आप भी इस बिजनेस को एक अच्छा मंजिल तक लेके जाए, अच्छा एक जगह पर लेके जाए जहां से आप एक अच्छा खासा मार्जिन एक अच्छा मुनाफा आप इससे कमा के महीने में अच्छा एक इनकम आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा बार्बेट वायर मेकिंग के बारे में
एक वीडियो, या फिर आप इसको बार्बेड वायर भी बोल सकते हैं, बार्बेड वायर मेकिंग के बारे में एक वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बाजू में घंटा का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन उसको दबा दीजिए, ऐसी वीडियोस आप लोगों को हर रोज मिलते रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।